पीजीआई के बाहर जिहड़ा लोगों की लंगर लगता है उत्थे जिहड़े होर लोग ने बहुत सारा गंद पाई जा रहे ने, कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं जिहड़ा रख रहे। कितना प्लेटा सिट दें खा खा के, कोल डस्टबिन पिया लोहे का उहदे च नहीं सिटणगे, ऐ मारनगे भगा के खा के। इत्थे लंगर किसी होर दा, किसी ने कहता मटर पनीर आ गया, तेरे लंगर की रोटी लेके सिट देनी है दुए पर जाकर। कहिंदे लंगर तां लगदा है गरीबां दे लई, इत्थे होर भी जिहड़े इत्थे दुकानां लाउंदे ने उह शक जांदे ने, रेहड़ियां लाउंदे ने उह शक जांदे ने। कमाई इत्थे करनो रहेगी, यूपी बिहार च जगह ही नहीं थी कोई, पंजाब दी राणी राजधानी च कमाई रहेगी, होर जगह नहीं कोई। उत्थे भी तो बहुत बड़े बड़े बाजार हैं, उत्थे खोल लेने दुकानां, इत्थे क्यों गंद पाया उरे। कहिंदे हफ्ता दिंदे आ पुलिस नूं ते बहुत गंदगी कहिंदे फैलाउंदे आ इत्थे। नहीं ऐसी कोई गल नहीं, दाम लगा रहे सारे सारे जिन्ने कहिंदे रेहड़ियां। अपना लाइसेंस बनावा फिर, गवर्नमेंट नूं फीस भरदे सी। कल दी गल है, तां थानेदार आया था, एस आई मेरे नाल इक सिपाही आया था, मैनूं कहिंदे हौली बोल, मैं हौली घट बोलदा हुंदा पंजाबी, पंजाबी अहीं बोलदे आ। औजार टीवी दे फेसबुक अते यूट्यूब पेज दे नाल जुड़े हो, इस वक्त पीजीआई दे बाहर बिल्कुल मौजूद हाँ। तो इत्थे यह इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि पीजीआई दे बाहर जिहड़ा लोगों की लंगर लगता है उत्थे जिहड़े होर लोग ने बहुत सारा गंद पाई जा रहे ने, कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं जिहड़ा रख रहे, तो जिहड़ियां दुकानां लगियां होईयां ने वो ज़्यादातर खास तौर पर इत्थे जिहड़ी है गंदगी फैलाई जा रहे हैं। इल्ज़ाम जिहड़े ने रजिंदर सिंह गग्गू जो कि प्रधान ने, इत्थों दे रहण वाले ने, वसनीक ने, असीं गलबात करांगे। कहिंदे लंगर तां लगदा है गरीबां दे लई, इत्थे होर भी जिहड़े इत्थे दुकानां लाउंदे ने उह शक जांदे ने, रेहड़ियां लाउंदे ने उह शक जांदे ने, तां सारा गलबात करांगे। इन्हां दा इह इल्ज़ाम है कि पीजीआई दे प्रशासनिक अधिकारी भी इस दे विच मौजूद ने। गग्गू जी की तुसीं कहना चाहते हो, किहड़े इल्ज़ाम जिहड़े लगा रहे हो तुसीं इन्ने इन्ने वड्डे के इत्थे रेहड़ियां वाले इत्थे लंगर छकदे ने, इत्थे गंदगी फैलाई जा रही है? बिल्कुल गंदगी थोड़ी है, आप देखो फोटो खिंचो गंदगी दी, फोटो कभी गंदगी असं दिखाते हैं थोनों, चलो साढ़े नाल फोटो दी गंदगियां खिंचो। कितना प्लेटा सिट दें खा खा के, कोल डस्टबिन पिया लोहे का उहदे च नहीं सिटणगे, ऐ मारनगे भगा के खा के। इत्थे लंगर किसी होर दा, किसी ने कहता मटर पनीर आ गया, तेरे लंगर की रोटी लेके सिट देनी है दुए पर जा खा, प्लेटा भी उस तरह छड़दे हैं। रेहड़ी वाले ते की इल्ज़ाम लाने तुसीं कि रेहड़ी वाले इत्थे ज़्यादा गंद पा रहे ने, ये भी कह रहे हो कि हफ्ता लैंदी है पुलिस ने तो? बिल्कुल लैंदी है पुलिस, बिल्कुल लैंदी है पुलिस, रिटर्न लेना है सीएम साहब, मैं बयान पिया बयान भी दे दूंगा इस मामले च। तो कोल की सबूत है कि पता इतने सारे खड़े होने क्योंकि सारे कमाई कर रहे हैं? हाँ कमाई इत्थे करनो रहेगी, यूपी बिहार च जगह ही नहीं थी कोई, पंजाब की राणी राजधानी च कमाई रहेगी, होर जगह नहीं कोई। उत्थे भी तो बहुत बड़े बड़े बाजार हैं, उत्थे खोल लेने दुकानां, इत्थे क्यों गंद पाया उरे। और फिर ये चंडीगढ़ है, हाँ जी इत्थे इलाज हुंदा मरीजां दा, इत्थे बाहर गंद पिया वा, दुनिया भर का गंद, इत्थों लेके वो एक नंबर गेट तक चले जा। हाँ भी बारी लैटरें फिरदे कंधे नाल नाल लोग। ये इल्ज़ाम लगा रहे हो कि पुलिस वाले पैसे लेंदे ने, इधर आ जाओ थोड़ा जा, बिल्कुल कि पुलिस वाले पैसे लेंदे ने, कहते तुसीं ये भी कह रहे हो कि बेंच दबी बैठे सारे जिहड़े लोकां दे बैठे, सीमेंटेड बैंक सारे दबे पए दुकानां वाले ने, और जिथे तुसीं गल करदे ते उहदे नाल उत्थे भी तो किन्ने बेंच है, उत्थे चाह दी दुकान चल रही है। तुसीं कोई शिकायत कीती सी किसे नूं पुलिस अधिकारी नूं कि चीज़ां हो रही? पुलिस अधिकारी नूं कल शिकायत करी थी, पुलिस वाले कहिंदे इहनां कोल लाइसेंस है, मैं कहा जदों फिर स्टेट ऑफिस आउंदी है वी नड़ देगा ते जे लाइसेंस है, जदों नगर निगम वाले आउंदे ने ट्रक ट्रक लै के चक्कण लई उदों सारे भज जांदे आ? भज जांदे आ जी कल, क्योंकि पुलिस नूं जिहड़ा 100 रुपया जांदा ना एक दुकान पिछे, उहदे करके पुलिस कहिंदी इनके पास लाइसेंस है। कल दी गल है, तां थानेदार आया था, एस आई मेरे नाल इक सिपाही आया था, मैनूं कहिंदे हौली बोल, मैं हौली घट बोलदा हुंदा पंजाबी, पंजाबी अहीं बोलदे आ। हाँ फिर हुण की लगदा कि इस दे विच सुधार किवें आएगा जिहड़े तुहाडे इल्ज़ाम ने? सुधार तां जी ताहीं आ सकदा जे एडमिनिस्ट्रेशन सख्त होवे और साफ सुथरा होवे, ठीक है जी। इन्हां दे इल्ज़ाम ने, असीं रेहड़ियां नाल भी गल करांगे, इधर रेहड़ियां लगियां होणियां ने, इत्थे चाह
आले दी रेड़ी लगी हुई है। भाई सत श्रीकाल, ठीक ठाक हो सर? कितने टाइम तो ला रहे रेड़ी? वहाँ बात कर लो, वो मालिक है। मालिक तो तुसी हो, कितने टाइम तो लग रही रेड़ी? 10-11 साल हो गए। 10-11 साल कहते इल्जाम लग गए, कहते हफ्ता हफ्ता दिता जाता। अच्छा उन्होंने गल करनी पैनी है ता ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं। भाई जी सत श्रीकाल, ठीक ठाक? हाँ जी भाई। इल्जाम थोड़े उत्ते लग रहे हैं कि इतने कहते हफ्ता देंगे पुलिस नूं ते बहुत गंदगी कहते फैलाते इतने। नहीं जी ऐसी कोई गल नहीं, इल्जाम लगा रहे सारे सारे जिन्हें कहते रेहड़ियाँ। अपना लसेंस बनावा फिर गवर्नमेंट नूं फीस भरते सी। अच्छा हाँ जी, कहते लसेंस तो बनया हुआ जो फिर कहते नगर निगम वाले आते हैं ट्रक लैके उदो सारे फिर इतों चले जाते? नहीं नहीं, जिन्होंने नहीं लसेंस बने वो जाते। हाँ जी, लसेंस के तौर पर काम कर? हाँ जी हाँ जी, कह रहे हैं कि लसेंस के तौर पर काम करते हैं। होर भी बहुत सारिया रेहड़ियाँ ने इतने वक् वक् ने, ये इतने परौंठे जोड़े ने अपने वेच रहे हैं। तो इल्जाम जोड़े ने लगाए जा रहे हैं। इधर भी एक दुकान है चाह वाले की, तुहाडी दुकान है भाई जी? जी नहीं। और किना दी है? ये प्रकाश के नाम से लाइसेंस है। अच्छा, तुसी इतने चलाने हो? नहीं, काम करते हैं, वो आने वाले हैं। अच्छा, ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि इतने जो पुलिस आती है हफ्ता लैके कहते चली जाती है, कहते इतने बड़ा गंद पाया हुआ दुकानदारा ने। ना ना ना, ऐसा कोई बात नहीं। कोई यह जी हैगी गल कि ता करके इतने लोग तुहाडे ते इल्जाम लगा रहे हैं कि इतने दुकाना लाइया उन्होंने लोगों को बहुत परेशानी आती है कहते? लोगों ने क्या परेशान, जिसके पास लाइसेंस है सुबह लगाते हैं शाम को चले जाते हैं अपने घर, फिर सुबह आना होता है। ऐसा तो कोई पक्का दुकान तो है नहीं। ये भी कह रहे कहते इतने लंगर छक लेंगे, कहते सारे कहते अपने घर तो रोटी भी नहीं लैके आते, बई हूँ इल्जाम ला रहे थे सारे, कहते इतने छकते रहे। यहाँ पर लंगर है तो सारे बंदे खाते हैं, जिसका मन हुआ खाया, जिसका मन हुआ नहीं खाया। अब सब अपना अपना सबका मन होता है खाने का। मतलब कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी, तुम लोगों के नाल सारा कुछ कोऑपरेट करके चलते हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो ये इन्हों का भी अपना पक्ष हैगा कि कोई किसी नाल परेशानी वाली गल नहीं हैगी। तो इतने जोड़े है अपनी असी किरत करते हैं, कमाई करते हैं, गवर्नमेंट नूं चंडीगढ़ प्रशासन नूं जिहड़ा अपना वह भी फीस भी पे करते हैं, जो टैक्स होंदा इतने लगता लसेंस जारी होए हुए हैं। इतने तमाम दुकाना ने तो इल्जामों भी खर्च कर रहे हैं कि एवं की कोई गल नहीं है कि इतने बहुत लोग आते हैं। तो उन्होंने ये भी सीगा जो कह रहे थे कि इतने लंगर जो छकते हैं कोई प्लेट नहीं सही थान पर सिटी होएगी। एक बार मैं तुम्हें तस्वीर साझी कर ही देवगा कि जोड़े इल्जाम ने किस तरीके के ने। तो इतने जोड़ा चाहिए है कि चंडीगढ़ प्रशासन ध्यान दे, जिस तरीके पानी खड़ा होया गंदा पूरा, क्योंकि रोटी खा रहे हैं इतने बंदे बैठ के, कई मरीजों के नाल आए हुए हैं। तो इतों जोड़े मखर मच्छर मक्खी पैदा होएगी, क्योंकि आम तौर पर चलान करते हैं, तो इतने चलान कितने जाते हैं? हम रोटी खा रहे हैं, मक्खियां बह रही ने, रोटी तो बह रही ने, सब्जी तो बह रही ने, तो इन्हों का जिम्मेवार कौन है? चंडीगढ़ प्रशासन है या फिर होर है? इतने पानी खड़ा होया तो इन वाल क्यों नहीं ध्यान दिता जाता? और प्लेटा पईं डिस्पोजल कोई डस्टबिन नहीं है, लोग अपनी कमाई कर रहे हैं, इतने पान जड़ा इन्ना जड़ा खा के जड़े चीज़ा ने थुकिया हुई ने, लाल किया पाया सारा, इस चीज़ वाल कहते ध्यान नहीं दिता जा रहा। MC नाल भी असी गल करने की कोशिश की करांगे कि जो ये गंदगी है इन्नी फैलाई जा रही है, क्योंकि PGI वो हस्पताल है जिथे लखा मरीज़ दिन के आते हैं अपने परिवार को लैके आते हैं कि इलाज हो सके, पर जो एवं जी थां होना गंद पिया हो तो बहुत मुश्किल हो जाता। यही थां इतने लंगर छकना होंगे, इतने चाह पानी पीना होंगे, दुकाना लगिया हुई ने, पर बहुत मुश्किल होंगी है। तस्वीर है तुहाडे नाल सांझी कीती है, इसनों वध तो वध शेयर करो ता जो इस तरीके की साफ सफाई हो सके। प्रशासनिक अधिकारी जिहड़े ने तुसी तस्वीर दे विच देख सकते हो, एक नगर निगम वालों कूड़े चक्कण वाली ट्राली जी भी रखी हुई है, उसके बाहर भी जिहड़ा गंद खिंडिया होया डिग्गिया होया, पर ध्यान कोई खास तौर पर नहीं किया जाता। ये तस्वीर सीगी तुहाडे नाल सांझी कीती है, विचार जो सांझे करो, धन्यवाद।